देश के वीर शहीदों के बलिदानों पर आधारित पुस्तक यादों का बक्सा का हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक सौरव राय हैं, जो रायपुर में पंजाब नेशनल बैंक में बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। व्यस्ततम समय के बावजूद उन्होंने इस पुस्तक को लिखने का साहसिक कार्य किया है। इस विशेष अवसर पर राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने सौरव राय की इस रचना की सराहना करते हुए कहा कि ये पुस्तक देश के शहीदों की यादों को संजीदा रखती है और आने वाले पीढ़ियों को उनके बलिदानों से प्रेरित करती है। सौरभ राय अपने लेखन के माध्यम से शहीदों के जीवन और उनके बलिदानों को सम्मानपूर्वक अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं। यादों का बक्सा पुस्तक को समाज के विभिन्न वर्गों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और इसे एक महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान माना जा रहा है। सौरभ राय के खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। झारखंड में पत्रकारिता को सजाने और सवारने के बाद पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर बने सौरव राय ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है यादों का बक्सा और इस वक्त सौरव राय हमारे साथ हैं। सौरव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक किताब लिखी है यादों का बक्सा, शहीदों पर यह किताब है। क्या कुछ आपके दिमाग में आया और कैसे आपने ये किताब लिखी? मैं बचपन से NDA में जाना चाहता था, नेशनल डिफेंस अकेडमी में। वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमेशा से आर्मी और उससे जुड़ी चीज़ें मुझे, मतलब मेरे दिल को छूती रही है। खासकर जब कोई शहीद होता है तो उसका जो दर्द होता है, जिस परिवार के साथ वो गुजरता है, वो ऐसा महसूस करता, मैं हमेशा से महसूस करता रहा कि वो मेरे साथ हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है। तो वो जुड़ाव हमेशा से रहा। मैं हमेशा सोचता था कि अगर कभी कुछ लिखूं तो वो पहली चीज़ जो होगी वो हमारे अमर बलिदानियों की कहानी होगी, उन परिवारों की कहानी होगी। अपना बेटा अपने पति को खोया है देश के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए, माँ भारती के उन लालों को मेरा प्रणाम है, यही सोचकर मैंने ये किताब लिखी। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने काम किया, काफी सफल भी आप रहे। अब इसके बाद आपने बैंक मैनेजर जो है, आप पंजाब नेशनल बैंक में हैं, तो कैसे समय निकालते हैं, इस बीच कैसे आप किताब भी लिख लिए? मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक पत्रकार हमेशा एक पत्रकार रहता है, चाहे प्रोफेशन हम बदलते हैं, कई चीज़ें होती हैं जिनके कारण प्रोफेशन बदलता है, लेकिन वो जो जज्बा होता है, वो लिखने का शौक होता है, वो कभी नहीं मिटता। वो पत्रकारिता हमेशा अंदर रहती है और वो जिंदा रहे, इसलिए मैंने उन शहीदों की कहानी लिखी जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनसे जुड़ी चीज़ें और उनके परिवार का संघर्ष पूरा देश जाने कि वो कैसे एक आंगन अमर हो जाता है जब उनके घर का लाल हमारे लिए, हमारे माँ भारती की रक्षा करते हुए कहीं शहीद हो जाता है, चाहे वो कारगिल हो या दंतेवाड़ा हो, लखीसराय हो, पलामू, पुलवामा, कहीं भी हो, उनका बलिदान अमर होता है। और उन सभी को, कोई शहीद होता है, खबरें आती हैं, दो दिन तक हम सबकी चर्चा में रहती हैं, फिर वो भूल जाते हैं, वो नहीं भूले। अगर आज हम शांति के क्षेत्र में जी रहे हैं तो वो इसी कारण, क्योंकि उन लोगों ने हमारी खातिर बलिदान दिया है, तो उनको समर्पित है। और मैंने अपनी पुस्तक की पहली पन्ने पे ही लिखा है कि ये किताब भारत माँ को समर्पित है और उन लाखों हजारों माओं को समर्पित है जिनके बच्चे घर लौट नहीं सके। ये किताब जो है कहाँ अवेलेबल है, कैसे लोग इस किताब को ले सकते? फिलहाल ये किताब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर है, अमेजन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, नोशन प्रेस पर है, तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ मेरा इस किताब के जरिए मेरा मोटिव प्रॉफिट नहीं था, इसलिए मैंने किताब की वो लोएस्ट प्राइस रखी जो मुमकिन थी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब को पढ़ सकें। अगर ये किताब के कुछ पन्ने, कुछ कहानियाँ किसी भी एक इंसान के दिल में रच बस जाती हैं, तो मैं अपनी इस कोशिश को सार्थक मानूंगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। बिल्कुल, तो वीर शहीदों के बलिदान को लेकर के जो है सौरव जी ने किताब लिखा है, आप भी जरूर इस किताब को पढ़ें। अमेजन में ये किताब अवेलेबल है और ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो किताब है इसकी सराहना काफी लोग कर रहे हैं। स्वर्गीय प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस।